ग्वालियर के गोलेखा मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क में 27 अक्टूबर को हुए विकास हत्याकांड में अब कहानी लगातार उलझती जा रही है। मृतक विकास यादव के परिजनों के द्वारा मुख्य आरोपी मंतोष झा पर एफआईआर के बाद जहां पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को घटना के एक रोज बाद ही दबोच लिया, तो वहीं अब मृतक विकास यादव के परिजन इस हत्याकांड में मंतोष झा के एक और भाई को हत्या आरोपी बनाने की मांग को लेकर पुलिस को लगातार शिकायती आवेदन दे रही हैं। वहीं पुलिस को कुछ और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता लगता है कि मृतक विकास यादव के परिजनों के द्वारा मंतोष झा के अन्य परिजनों को आरोपी बनाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में बड़ी बारीकी से तफ्तीश करने में जुटी है। फरियादी पक्ष है, उसकी पत्नी के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसके पति को मंतोष यादव ने गोली मार दी, वो स्वयं आई विटनेस है और उसने साक्षी के रूप में विकेश का नाम लिखवाया था। और जब ये एफआईआर कराने आए थे तो उस महिला के साथ उसका ससुर थे, उसका महनोई था, ऐसे 5-6 लोग आए हुए थे और इनने वहाँ पे एफआईआर लिखा दी। अब एफआईआर लिखाने के बाद में जो परसों इतवार को इनने जो प्रोपगंडा बनाया है कि साहब हमारे घर पे आके वो लोग आके और राजनामे की धमकी दे रहे हैं, तो पहला प्रश्न ये उठता है कि चूंकि अभी उसमें आरोपी बीकेस है ही नहीं, तो भाई वो क्यों जाके राजनामा की बात करे।